आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि विंटर में आप लोग सर्दियों के मौसम में मुल्तानी मिट्टी को अपने फेस पे कैसे लगा सकते हैं और निखार पा सकते हैं। विंटर में हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है, डार्क पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। विंटर के सीज़न में हम लोग धूप में बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा चेहरा काला पड़ने लगता है और धूप में बैठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे सेहत के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, हमारा चेहरा विंटर के सीज़न में भी काला नहीं पड़ेगा, हमारा चेहरा ड्राई नहीं होगा और मुल्तानी मिट्टी विंटर में कैसे लगाते हैं इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को। अगर इस फेस पैक को आप यूज करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट नज़र आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। मैं हूं आपकी दोस्त काम्या, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। तो वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलती हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेना है 2 चम्मच। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी पाउडर नहीं है तो आपके पास मुल्तानी मिट्टी है तो उसे आप पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। 2 चम्मच हमें यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हमारी स्किन को टाइट करती है, स्मूथ बनाती है, टोन करती है, साथ ही ऑयल को कंट्रोल करती है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ये एक्ने पिंपल्स को रिमूव करती है, साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स की लेयर को ये बाहर निकालती है, सन टैन की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करती है, डेड स्किन सेल्स की लेयर को ये बाहर निकालती है। तो मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसके बाद हमें 3 चम्मच रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध यहाँ पे लेना है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप ऐसे भी दूध ले सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कच्चे दूध में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, दूध हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, नमी पहुँचाता है, सॉफ्ट बनाता है, रंगत को भी ये निखारता है। तो ये दूध हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है, अब इसके बाद हमें लेना है 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। ये हमारे स्किन को चमकदार बनाता है, साथ ही साथ स्किन के रंगत को निखारता है, हमारी स्किन को लाइट ब्राइट बनाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है ये हमारे स्किन के लिए एप्पल साइडर विनेगर। अब इसके बाद हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। अगर आप इस फेस पैक को गर्मियों के सीज़न में यूज कर रहे हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है आपकी स्किन में, तो आप क्या करेंगे, आप मिल्क की जगह आप इसकी जगह गुलाब जल इसमें ऐड कर लेंगे, मिल्क नहीं ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, तो मैंने यहाँ पर जैसे फेस पैक बना के रेडी किया है आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब इस फेस पैक को आपको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, अच्छे से साफ कर लें, टॉवल से पोंछ लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फेस पैक को आपको पूरे अपने फेस पे लगा लेना है। 15 मिनट के बाद ये पैक पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है, धुल लेना है। उसके बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप यहाँ पे अपने स्किन पे रोज़ वाटर लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे बादाम का तेल, एलोवेरा जेल या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्किन पहले से ज़्यादा लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट नज़र आएगी। तो ये फेस पैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, तो आप लोग ज़रूर यूज करें विंटर में, तो ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन काली नहीं पड़ेगी, तो ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो ट्राई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।